हम निकल रहे हैं हमारी आज की डेस्टिनेशन पे, जो कि काफी आज भगवान को ज़्यादा ही मेहरबानी की कि मौसम बहुत अच्छा हो गया है। अब बाद में क्या होता है वो तो पता नहीं, लेकिन अभी मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है और मुझे ऐसा लग रहा है कि बारिश होने वाली है। बंद कैसे हो गई है? नहीं होनी चाहिए। हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं बंजारन में और आज हम आए हैं आगरा ताजमहल की सिटी।
तो मैं आपको दिखाऊंगी कि आगरा में आप क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या खा सकते हैं और कहाँ कहाँ घूम सकते हैं। आगरा में जो हमने होटल बुक किया है गाइस, उसका ये रूम है और रूम बहुत बहुत ही सुंदर है। और जैसे ही आप अंदर आते हो, जैसे ही आप अंदर आओगे, आपको सबसे पहले वॉशरूम के दर्शन होंगे। छोटा है बट नीट एंड क्लीन है सारी चीज़ें, और बाथटब भी है। एंड इसके बाद दो पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, लेफ्ट साइड में बेड है जो कि काफी सॉफ्ट है, एंड उस साइड बस चाय वाय की सामग्री है और एक छोटा सा फ्रिज रखा हुआ है। देखो ये छोटा सा फ्रिज है और ये चाय की सामग्री है और वाटर बोतल है, और एक ये फुल लेंथ मिरर है। बाकी ये बहुत चिपका के लगा हुआ है, तो अगर आपको इसको देखना है तो आपको ऐसे करके ऐसे पास में खड़े होके इसको देखना पड़ेगा, फुल लेंथ मिरर। तो हाँ, टाइम से पहुंच गए। और अभी का जो हमारा आज का प्लान है ये है कि अभी थोड़ी देर आराम करेंगे, रेस्ट करेंगे, एंड उसके बाद हमने प्लान किया है कि हम शाम को कुछ चीज़ें विजिट करेंगे। एंड यू नो आज जुम्मा है, तो जुम्मे की वजह से आई थिंक नमाज़ पढ़ी जाती है ताजमहल में और फतेहपुर सीकरी में, इसलिए वो आज बंद होता है। तो अगर आप ताजमहल देखने आ रहे हैं तो फ्राइडे को आप अवॉइड करें आना, क्योंकि ताजमहल आप देखने आओगे फ्राइडे को खुलता ही नहीं है, तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। बट हम लोग को कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन नहीं, क्योंकि हम लोग का 3 दिन का ट्रिप है, तीन कवर दिन तो कर ही लेंगे। और ये वाले ट्रिप पे जो हमारा ये आगरा वाला सीरीज है, इसमें हम आपको आगरा बिल्कुल ही अलग नज़रिए से दिखाने वाले हैं। मतलब आगरा सिर्फ ताजमहल नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है, मतलब हम आगरे के मॉन्यूमेंट से लेके आगरे के फूड तक कवर करेंगे। एंड उसकी हिस्ट्री। तो चलिए थोड़ी देर आराम करती हूँ मैं और फिर मैं आपसे मिलती हूँ। तो दोपहर में कहीं मुझे बाहर जाने का मन नहीं किया, तो जिस होटल में मैं ठहरी हूँ वहीं से मैंने पोहा ऑर्डर कर दिया है। अभी से आप ब्रेकफास्ट समझो या लंच समझो, बट अभी मैं यही खाने वाली हूँ और उसके बाद शाम को डिनर बाहर करेंगे मैं भी। पोहा देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है, पीनट डले हुए हैं यहाँ पर, हालांकि क्वांटिटी ज़्यादा है पर कोई बात नहीं, लंच समझ के खा लूँगी मैं। अभी तो बाहर निकले थे और अभी बारिश हो गई, अभी जस्ट अभी देखा मैंने ऊपर, धूप आ रही थी बहुत तेज। अभी जो वेदर हो रहा है ना, वैसा मैं एक्सपेक्ट सुबह करके चल रही थी कि हम जब ड्राइव करके जाएंगे तो बारिश हो जाए और अच्छा सा मस्त सा मौसम मिले, लेकिन जो चाहते हो वो कभी नहीं होता। और अभी बस जस्ट तैयार होके घूमने निकले और बारिश स्टार्ट हो गई है। वैसे अच्छा लग रहा है पर काम भी तो बिगड़ता है ना, जा नहीं पाएंगे, कैमरा बिक जाएगा। बरसात में चाय, वैसे तो मैं हर मौसम में पीती हूँ, लेकिन बाहर बारिश हो रही है और चाय बहुत अच्छी लगती है बारिश में, जल्दी रुक जाएगी। मेरे को लगता नहीं इतनी तेज बारिश है, थोड़ी बहुत बूंदाबांदी है, बस चाय पीते हैं और फिर निकलते हैं। बहुत ही शानदार किला है, मैंने अब तक जितने भी किले देखे ना उसमें ये सबसे ज़्यादा स्ट्रांग और सबसे ज़्यादा जिसको बोल सकते हैं ना किला, वो ये है। क्योंकि इस किले को देखो आप, तो ऐसा लगता है अगर इस पे दुश्मन आक्रमण करेगा ना तो उससे पहले 100 बार सोचेगा इस बारे में, कितना स्ट्रांग है यार। देखो वेल मेंटेन्ड, वेल मेंटेन्ड, लाल पत्थरों से बना हुआ है। और एक्चुअली ये वाला जो किला है ये 4 मुगल शासकों ने मिलकर बनवाया था, अकबर ने इसे स्टार्ट किया था बनाना और औरंगजेब के टाइम तक आते आते ये किला बनकर तैयार हो गया था। तो सबसे पहले अकबर ने बनाया, उसके बाद उनके बेटे जहांगीर, और उसके बाद शाहजहां, और उसके बाद औरंगजेब ने इस किले का काम ख़त्म करवाया और इस किले को बनने में 95 ईयर्स लगे थे। टिकट बुक करने के लिए इतनी लंबी लाइन लगी हुई है, पता नहीं आज इतनी भीड़ क्यों है, बाहर भी बहुत ज़्यादा भीड़ थी और बरसात भी हो रही है। नंबर कब आएगा हमारा, बहुत लंबी लाइन है ना। अभी हम देखने वाले हैं जहांगीर पैलेस,
और उससे पहले मैं आपको ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ज़रूर दिखाना चाहूँगी। ये वाला जो कुंड है, ये वाला जो बाथ टब है, ये एक्चुअली जहांगीर का बाथ टब था और वो यहाँ पर नहाया करते थे और तीन सीढ़ियाँ इसमें बाहर है और तीन सीढ़ियाँ इसके अंदर है और ये एक ही पत्थर को तराश के बनाया गया है। और ये वाला जो बाथ टब था, ये उनको उनके मामा यानी मान सिंह ने गिफ्ट किया था, मान सिंह जो कि जोधा बाई के भाई थे और जो जयपुर के राजा थे। हम लोगों का किला विजिट हो चुका है क्योंकि ये जो पूरा किला है ना, ये 75% बंद है और 25% विजिटर्स और टूरिस्ट के लिए ओपन है। तो हम 25% देख चुके हैं और आज तो सच में मज़ा आ गया। और मुझे तो ऐसा लगता है ना कि किले घूमते घूमते मैं ही गाइड बन जाऊँगी एक दिन गाइड का बिजनेस कर लेती हूँ, क्योंकि अब मुझे देख के पता चलने लग गया, तुमको भी पता चलने लग गया ना, कौन सा दीवाने आम है, कौन सा दीवाने खास है, कौन सा रंग महल है। प्लान नहीं था, हम आए थे सदर बाजार चाटगली देखने, लेकिन एकदम अचानक प्लान बन गया। इसने बोला चलो टैटू बनाते हैं, मैंने बोला क्या, मैंने बोला चलो टैटू बनाते हैं, टैटू बनवा रही हूँ पहला टैटू। मैंने सोचा था बैग में बनवाऊँ, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा लंबा टाइम लगने वाला और मुझे काफ़ी बड़ा छोटा बनाना, तो उसको पूरा प्लानिंग करके करना पड़ेगा। अभी फिलहाल आपको दर्द हो, पहली बार बना लूँगा। चाट गली में मेरा दो चीज़ें खाने का बहुत ज़्यादा मन है, एक तो बास्केट चाट, बहुत सुना है मैंने उसके बारे में, और 6 फ्लेवर के यहाँ पर पानी पताशे मिल रहे हैं, वो मैंने देखा है, अलग अलग फ्लेवर। ये दो चीज़ें तो मेरे को ट्राई करनी है, उसके बाद अगर पेट में जगह बचती है तो देखते हैं।
तो यहाँ पर 6 फ्लेवर के हम पानीपत से ट्राई करेंगे ये सारे 6 फ्लेवर, लेमन, मीठा, जलजीरा, गार्लिक है ना, ये गार्लिक और पुदीना, हींग, हींग, तीन मैं ट्राई करती हूँ और तीन तुम ट्राई करना है, इधर देखो, तीन तुम ट्राई, मैं ट्राई करती हूँ, तीन तुम ट्राई करना, ठीक है, और फिर लास्ट में बताते हैं आपको कौन सा फ्लेवर बेस्ट लगा। 20 रुपए के कितने? 20 रुपए के 6 पीस। ये हींग है। हींग। बहुत धीरे धीरे ये पुदीना, ये वाला पुदीना, पुदीना फ्लेवर, पहले बास्केट चाट जो मुझे ट्राई करनी थी, और ये बास्केट है 60 के 6 पीस है, और अभी हम आपको बताएंगे कि बास्केट चाट कैसे बनाई जाती है। पर बिंग इंडियन हम हैंड यूज करेंगे, बास्केट बीट डेट्स, ढेर सारे इंग्रेडिएंट, पता नहीं क्या क्या डाला हुआ है, वो आप वीडियो में देख ही लोगे, और अभी मेरे मुंह में जाएगी पूरी की पूरी, खा लूंगी, खा लूंगी, मैं खा लूंगी पूरा बास्केट। अमेजिंग है, अगर आप आगरा आते हैं तो बास्केट चाट ज़रूर ट्राई करना, चाट वाली गली से, मेरा डिसीजन सही था ट्राई करने का। तो जिस शॉप पे हमने बास्केट चाट खाया उसका नाम है तिवारी चाट एंड फास्ट फूड सेंटर, यहाँ पर आप आकर आप पिज़्ज़ा, पास्ता, सोया चाप और बर्गर और भी बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, खुलता कितने बजे सुबह? मार्केट तो खुल जाती है 11 बजे। और ये चाट गली कब लगती है? 1 बजे से स्टार्ट होता है चाट गली और 12 बजे तक खुला रहता है, तो रात में आके टपरी मारो, एंजॉय करो, मज़ा करो, जो मर्जी में आए खाओ, छुटका छुटका फुटका फुटका। मैं ट्राई कर रही हूँ गोला विथ रोज़ एंड काला खट्टा, अमृत अमृत, मैंने बहुत दिन बाद गोला खाया, आई थिंक। चलो गोला ख़त्म करते हैं और उसके बाद हम और क्या ट्राई कर सकते हैं आपको दिखाते हैं। कहाँ से आए थे हम? सदर बाज़ार। सो सदर बाज़ार की चाट गली विज़िट करने के बाद हम सीधे अपने होटल आ गए, और अभी जहाँ सीधे हम अपने होटल आ गए और जस्ट चाय पी रहे हैं, और इसके हमारे जस्ट पीछे हमारा होटल सी बैक में, और सोचा कि पहले चाय पी लेते हैं। आज का दिन कैसा रहा? मज़ा आया? बहुत मज़ा है, बहुत है। मेरे को अच्छा पता ये लगा कि हम इस चीज़ के लिए टेंशन ले रहे थे कि बहुत धूप हो रही है, बहुत गर्मी पड़ेगी, लेकिन पता नहीं आज भगवान हमारे साथ थे, मौसम इतना अच्छा हो गया और इतने अच्छे मौसम में इतना मज़ा आया ना किला घूम के एकदम। आज का दिन सबसे बेस्ट था। सो आखिर डिसाइड कर लिया कि डिनर कर ही लेते हैं यार, क्योंकि फिर पेट अपसेट हो जाएगा, इससे बढ़िया ये कि आप खाना खा लो, कम ही खा लो। तो खाने में कुछ ज़्यादा स्पेशल तो मंगाया नहीं है, बटर नान ना, पनीर बटर मसाला, और तंदूरी यहाँ पर नहीं मिल रही थी तो तवा रोटी मंगाई है। वैसे मेरे को तवा रोटी खानी थी पर इसको तंदूरी खानी थी। आज पूरा दिन घूमकर बहुत थकान हो गई है और अब सो जाएंगे हम,
थोड़ी देर में बस थोड़ा डेटा वेटा कॉपी कर लेते हैं। एंड आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड मैं मिलती हूँ आपसे कल, तब तक टाटा बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन नेक्स्ट व्लॉग।